धर्मनगरी चित्रकूट से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नाबालिग किशोरी के साथ मंदाकिनी नदी किनारे भरत घाट में बीती रात्रि दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें चित्रकूट पुलिस द्वारा दुष्कर्म के 5 आरोपी सहित नाबालिग किशोरी के प्रेमी को भी गिरफ्तार किया है। बरौंदा थाना क्षेत्र स्थित गांव से मां के साथ इलाज करवाने चित्रकूट पहुंची नाबालिग किशोरी को मां ने शाम हो जाने के कारण बांदा निवासी पूर्व परिचित युवक मनोज यादव निवासी सुहाना के पास छोड़ दिया और वापस अपने गांव लौट आई। इसके बाद परिचित युवक मनोज नाबालिग किशोरी को भरत घाट ले गया। वहां दोनों रात करीब 1 बजे अस्त व्यस्त हालत में सो रहे थे, तभी शराब के नशे में धुत 5 आरोपी विनोद निषाद पुत्र रज्जू निषाद उम्र 23 वर्ष निवासी केवटरा नया गांव चित्रकूट, रामगोपाल पुत्र कैलाश उम्र 23 वर्ष निवासी कटरा गुदर करवी चित्रकूट, मोहित निषाद उर्फ गोलू पुत्र मुनेश निषाद उम्र 23 वर्ष निवासी नया गांव चित्रकूट, पंकज जोशी उर्फ रम्मत पुत्र छंगू जोशी उम्र 18 वर्ष निवासी चौगलिया सीतापुर चित्रकूट यूपी और 20 वर्षीय संतोष कुशवाहा राम मिलन नया गांव चित्रकूट भरत घाट पहुंचे और दोनों को पकड़कर 2 अलग अलग नाव में बिठाकर ले गए। इसके बाद दूसरी नाव से नाबालिग किशोरी को बीच धार में ले जाकर 5 आरोपियों द्वारा किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया तथा दुष्कर्म करने के बाद दोनों को पुनः भरत घाट में छोड़ दिया। इसके बाद नाबालिग किशोरी अपने साथी युवक के साथ सुबह करीब 5 बजे चित्रकूट थाना पहुंची, जहां सारी बातें पुलिस को बताई। इसके बाद चित्रकूट SDOP द्वारा मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम का गठन किया और सभी 5 आरोपियों को महज 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। 16 वर्षीय बालिका जो थाना बरौंदा क्षेत्र की रहने वाली है, सुबह करीब 4 बजे आकर थाना चित्रकूट में रिपोर्ट की कि उसके साथ जो है 6 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। तो मौके की गंभीरता को हमने समझते हुए जो है तत्काल थाना प्रभारी चित्रकूट की नेतृत्व में टीम रवाना करके जो है भरत घाट के आसपास से जो है करीब 6 आरोपियों को, जिसमें एक महिला का साथी भी था जिसका नाम मनोज यादव, इसकी उम्र करीब 21 वर्ष है, उसने भी उसको वो भी वारदात में शामिल रहा है। तो इस तरह से कुल 6 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनके विरुद्ध हमने धारा 363, 366, 323, 376, 376D, 506 ये भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं। इसके अलावा 3/4 पोक्सो एक्ट, 5/6 पोक्सो एक्ट और 325 SC/ST अधिनियम की धाराओं में हमने मुकदमा पंजीबद्ध किया है।